हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजना एवं कार्यक्रम का मॉडल आंसर बताया जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं ये जो मॉडल आंसर है संभावित होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पहला है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचारित होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, मलेरिया। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्यतः दिखाई देता है एवं अधिकतम घातक परिणाम होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, शिशु अवस्था और बचपन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इस राज्य की जिलों को नवंबर 2020 तक संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की संख्याओं से सुमेलित कीजिए। तो आप लोग इसे सुमेलित कर देना, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से विपरीत है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष त्यौहार के अनुसार दी गई तालिका को वर्ष और कुपोषण के प्रतिशत का सही मिलान कीजिए। तो पाँचवा का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, 5 वर्ष तक के कुपोषण से ग्रसित बच्चों का प्रतिशत राज्य में भारत में निम्नानुसार है। तो छठवा का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं क्वेश्चन 7 देख सकते हैं, शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप सही नहीं है। तो सातवां का आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नोनी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो आठवां का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सिर्फ 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुई। यहाँ पर 9वां का आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें पर, ये देख सकते हैं 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना को प्रारंभ किया गया। तो 10वां का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, 33 विकास खंड एवं 4,891 आंगनबाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं भारत की जनगणना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, इस राज्य की जनसंख्या 2.56 करोड़ थी, सॉरी इसका आ जाएगा ऑप्शन सी, 3, 4 और 1। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा 12वां का ऑप्शन सी, फाइबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के उद्देश्य हैं। तो 13वां का आ जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं। तो 14वां का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, डिप्थीरिया तथा टिटेनस। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का लक्ष्य क्या है। तो 15वां का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों में कुपोषण के प्रति वर्ष 2000 तक। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 16, किसी बच्चे के स्वास्थ्य स्तर को निम्नलिखित किन परिस्थितियों में गंभीर रूप से जोखिम भरा माना जाता है। तो 16वां का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सरकार बालक अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचारण करने के प्रयोजन के लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी। 17वां का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रारंभ के पश्चात दहेज लेगा तो वह कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि कितनी होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण आहार के लिए निर्धारित वित्तीय मापदंड पोषक तत्व एवं ऊर्जा 6 माह से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, वित्तीय प्रावधान, प्रोटीन 15 से 20 ग्राम कैलोरी, 600 कैलोरी। नेक्स्ट देखते हैं, रेडी टू ईट फूड में कौन से घटक हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको मॉडल आंसर और नौकरी के बारे में जानकारी मिलते रहेगी।